हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अक्सर मैं आपके सामने नई नई जानकारी लाता रहता हूं। पहली बार हमारे मध्य प्रदेश में नियमित शिक्षकों की भर्ती हो रही है, उससे रिलेटेड बुक्स मैंने अपने फेसबुक पेज @AtulKumarSharma09 पर पोस्ट किए हैं, जहां मैंने उनकी लिंक शेयर की है। यहां पर मैंने जो बुक्स पोस्ट किए हैं वर्ग 3 की और CTET की, जो आपको सफलता के बहुत करीब ले जाती है। दोस्तों सबसे पहले आपको तहे दिल से धन्यवाद, हर एक वीडियो पर आप इतने अच्छे कमेंट करते हैं, इतने पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं, जिनसे मेरा हौसला बहुत बढ़ जाता है। थैंक्स शब्द बहुत छोटा है, फिर भी मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। आप भविष्य के गुरुजन हैं, गुरुजन से जब आशीर्वाद मिलता है तो वाकई में हौसला बढ़ता है, तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं जो आप अक्सर मेरे कमेंट बॉक्स में पूछते रहते हैं, जो कि सभी से रिलेटेड होते हैं और इस कॉम्पिटिशन से संबंधित है। तो पहला क्वेश्चन पे हम चलते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, सर पासिंग मार्क्स कम हो सकते हैं क्या, प्लीज रिप्लाई जरूर करें, न्यूज बहुत जरूरी है मेरे लिए। सोनाली जी ने पूछा, सोनाली जी पूछा कि जैसे कि जो हमारे जर्नल के भाई बहन है वो 90 नंबर में पास हो रहे हैं, जिन्हें रिजर्वेशन प्राप्त है वो 75 नंबर में पास हो रहे हैं, तो क्या पासिंग मार्क घट सकती है, यानी कि जो हमारे जर्नल के भाई बहन है वो 75 नंबर में पास माने जा सकते हैं क्या, और जो हमारे रिजर्वेशन के भाई बहन है वो क्या 60 नंबर में पास माने जा सकते हैं क्या। जी हाँ, ये डिमांड तो हो रही है। क्यों हो रही है डिमांड, जैसे वर्ग 1 का है जो कि बहुत ही हार्ड गया है एग्जाम, और बहुत कम लोग हैं जो क्वालिफाइड करने वाले हो पाए, यानी कि क्वालिफाइड ही नंबर ला पाए, यानी कि जनरल वाले 90 नंबर ला पाए वहां पर, और जो जिन्हें रिजर्वेशन है वो बड़ी मुश्किल से 75 नंबर तक पहुंच पाए। वहां पर वैकेंसी ज्यादा है, और जो क्वालिफाई किए हैं, जैसे कि हम मैथमेटिक्स की बात कर लें, साइंस की, इनके जो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री की बात करें जो बहुत कठिन गए हैं, और वहां आर्ट्स की भी बात कर लें तो बहुत, तो आर्ट्स के जो ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे लैंग्वेज की बात कर लें, इंग्लिश है, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, तो काफी कठिन एग्जाम गया है वर्ग 1 का, तो वहां पर इनको लाभ मिल जाए। क्योंकि यदि आप क्वालिफाइड मार्क्स कम करते हैं, ऐसे 60 नंबर में रिजर्वेशन को पास कर दें, और 75 में यदि जिन्हें रिजर्वेशन नहीं है उन्हें पास कर दें सामान्य वर्ग के, तो वो जो वैकेंसी खाली रह जाएंगी वो फिल हो सकती हैं यहाँ पर, और इसकी डिमांड की जा रही है। क्योंकि एक एग्जाम था वो भी कठिन स्तर पर चला गया, बहुत सा आउट ऑफ सिलेबस चला गया, जैसे बहुत से भाई बहनों ने बताया, तो उस हिसाब से यहाँ पर वर्ग 2 की बात करें वहाँ पर इसका फायदा कम मिलेगा, क्योंकि पासिंग मार्क में यदि आप पास भी हो गए, जब भी देखा जाए कि रिजर्वेशन के भाई बहन हैं उनमें से, चाहे हम बात करें ST, SC, OBC या हमारे हैंडीकैप्ड भाई बहन, वो भी 116, 120, 126 तक बहुत से कैंडिडेट पहुँचे हैं, और अमूमन ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि 75 नंबर में पास होने थे लेकिन फिर वो 80 से ऊपर 85 नंबर 90 नंबर यहां तक वो ले गए, और जो जनरल वाले थे जो 90 में पास होने थे वो भी अपने मार्क्स से ऊपर ले गए, यानी कोई 100 नंबर पर चला गया, कोई 105 पर चला गया, तो जो कट ऑफ है उसमें आपका नंबर आएगा कि नहीं आएगा। यदि यहां पर वर्ग 2 में पासिंग मार्क कम भी कर दी जाती है तो कट ऑफ पर आपका नाम आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि मान लो किसी को 60 नंबर में पास कर दिया गया, उसी भाई का SC में वो 60 नंबर में पास हो गया, लेकिन उसी भाई ने जो लेवल है वो 100 तक ले गया, यानी कि वो उसके ना मार्क्स 100 आ गए हैं, तो फिर 60 नंबर में पास होने वाला 100 नंबर की जो पोस्ट है उस पर कैसे पहुंचेगा, क्योंकि पोस्टें कम है, पोस्टें बढ़ भी जाती हैं तब भी इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा, क्योंकि 56 से 70 पोस्टें हैं। यदि वर्ग 2 में वर्ग 1 की जैसी पोस्ट हो जाती हैं तब यहाँ पर लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन चूंकि पोस्टें कम हैं वर्ग 2 में, और मैं मान सकता हूँ कि वर्ग 1 में जो पोस्टें हैं वो ज़्यादा हैं, यदि वहाँ पर यह नियम लागू किया जाता है तो जो पोस्टें खाली रह जाएंगी, जिन्हें रिजर्वेशन है उनकी खाली रह जाएंगी, या तो फिर उन्हें वहाँ पर लाभ मिल सकता है, तो ये डिमांड की जा रही है। लेकिन इसका कोई ऑफिशियल अभी तक लेटर जारी नहीं हुआ है, ऐसी कोई सूचना अभी तक किसी भी ऑफिस वेबसाइट पर नहीं आई है, तो अभी तक तो हम वेट ही कर सकते हैं। हो सकता है जो गवर्नमेंट है वो ये कदम उठाए, और मैं हमेशा कहता हूं कि गवर्नमेंट वही नियम बदलती है जिससे कि सभी को लाभ हो, तो हो सकता है, क्योंकि हार्डनेस देखते हुए बार ये की पासिंग मार्क में थोड़ा रिलीफ देना चाहिए, क्योंकि बहुत कम लोग ही पासिंग मार्क पढ़ा। वर्ग 2 में ऐसा था कि कठिन एग्जाम तो था लेकिन बहुत से लोग अच्छे नंबरों से पास हो गए, तो जो कट ऑफ है वो करीबन जो पासिंग मार्क रखे गए 75 या जर्नल के 90 उन्हीं के आसपास या उनसे ही ऊपर जानी है, तो जहाँ पर यदि कम भी हो जाता है वर्ग 2 में तो थोड़ा मुश्किल है कि जो 60 नंबर में पास होंगे उनके चांस बन पाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग 75 से कहीं ऊपर निकल गए, 75 की जगह वो 80, 85, 95 जिन रिजर्वेशन है वहाँ तक पहुँचे हैं, तो ये है। और सेकंड ये है कि आपके जो एग्जाम हुए उनमें आपके मार्क्स बढ़ नहीं बढ़ने हैं, कैसे बढ़ने हैं वो मैंने आपको हमेशा बताया। दूसरे ये है कि इसका जो नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन पे मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें आपको पूरा बताऊंगा, थोड़ा बहुत मैं अभी बता देता हूँ। जैसे मान लो कि आपके जो क्वेश्चन है उनके चारों ही ऑप्शन गलत हैं, एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि आउट ऑफ सिलेबस चला गया, एक क्वेश्चन ऐसा है जिसकी कठिनता ज़्यादा थी,
ये तीन तरह के क्वेश्चन हुए, ये तीनों तरह के क्वेश्चन हटाए जाते हैं, यानी कि चारों ऑप्शन गलत है वो क्वेश्चन हटेगा, जो हार्डनेस थी वो उतनी ना होकर ज़्यादा हो गई है तो वो क्वेश्चन हटेगा, भले ही वो आपके सिलेबस से भी हो लेकिन वो कठिन है तो वो हटा दिया जाएगा, और आउट ऑफ सिलेबस चला गया कोई क्वेश्चन तो हटा दिया जाएगा। जो कठिन क्वेश्चन होते हैं वो क्यों हटाते हैं, मैं आपको इसका एक सिद्धांत बता देता हूँ। जैसे मान लो कि 100 नंबर का आपका पेपर हुआ है और गवर्नमेंट ने कहा कि 12% हमें कठिन प्रश्न रखने हैं, अब 12% मीन्स 12 नंबर कठिन प्रश्न आने हैं, 100 नंबर का पूर्णांक है, 12 प्रश्न कठिन आने, 12 की जगह 16 प्रश्न कठिन आ गए, तो होना तो 12 था लेकिन हो गए 16, तो वो चार क्वेश्चन है भले वो आपके सिलेबस के अंतर्गत हैं, भले वो सही भी हैं, तब भी उन्हें हटा दिया जाता है। और एक ये होता है कि चारों ऑप्शन गलत हैं तो उसका तो हटना ही हटना है, और एक ये होता है कि आउट ऑफ सिलेबस है यानी सिलेबस से नहीं पूछा गया तो वो क्वेश्चन हट जाते हैं, तो इस तरह के तीन क्वेश्चन आपके हटा दिए गए। अब इसके नंबर आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, नंबर कैसे मिलेंगे कि मान लो 150 है, 150 में से चार क्वेश्चन आ गए जो इन्हीं के अंतर्गत हैं, यानी कि वो एक तो हार्ड हो गए तो वो हट जाएंगे, जितनी परसेंटेज है उतनी आप हार्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं पूछ सकते, या उसके चारों ऑप्शन ही गलत हैं तो उसको हटा दिया जाएगा, या आउट ऑफ सिलेबस चला गया तो उसको हटा दिया जाएगा। अब मान लो 150 में आपके चार क्वेश्चन हट गए तो आपका पूर्णांक क्या माना जाएगा, 146, 146 पूर्णांक माना जाएगा। यहां पर आपको लाभ कैसे मिलता है कि उन्होंने देखेंगे कि 150 में से इंसान 88 नंबर लाया है तो 146 में से उसकी परसेंटेज क्या बनेगी, यानी कि वहां पर आपके नंबर बढ़ जाते हैं, यहाँ पर सीधा सीधा परसेंटेज निकाला जाता है। जैसे कि मैं आपको एक बता दूं कि जैसे आपसे किसी ने कहा कि 10 रुपये, आपसे इसमें जो नंबर होते हैं वो आपके बढ़ जाते हैं, लेकिन सीधे सीधे ये नहीं कि आपके में चार नंबर का इजाफा हो गया, वो नहीं करते हैं। जो क्या करते हैं कि पूर्णांक 150 था उसमें से आपके 88 नंबर आए, अब पूर्णांक 146 है तो 88 नंबर 150 में आए थे तो 146 में से कितने आएंगे, तो इसका वो परसेंटेज निकालकर आपके नंबर बढ़ा देते हैं, ठीक है। और एक आपके नंबर कैसे बढ़ते हैं कि मान लो आपने चार ऑप्शन है और चार में से ऑप्शन में से सी सही था उस टाइम पर जब आप एग्जाम दे रहे थे ऑनलाइन, ठीक है, कंप्यूटर ने सी सही माना था लेकिन वो गलत ऑप्शन था, उसका बी सही था और आपने सी लगाया और कंप्यूटर ने भी आपको एक नंबर उसका दे दिया, लेकिन जब दोबारा रीचेक की गई यानी कि मॉडल आंसर शीट के बाद आपकी रियल आंसर शीट डाली गई तो उसमें क्या हुआ कि जो सी था वो बी है, बी सही है उसका, तो जो आपको एक नंबर मिला है वो आपके में से काट लिया जाएगा और जिसे वो एक नंबर कट गया था उसके में एक नंबर जोड़ दिया जाएगा। तो ऐसे मान लो 2-3 क्वेश्चन हो गए जिनके कि ऑप्शन सी सही होना था और उसमें आ गया डी और आपने डी लगाया तो उस समय तो आपको एक नंबर मिल गए, लेकिन बाद में जब उसे रीचेक किया गया तो ऑप्शन हटा दिया गया और सी उसको सही माना गया, तो जिनके नंबर कट गए थे चार नंबर उनको चार नंबर मिल गए एक्स्ट्रा, यहाँ पर सीधे नंबर जोड़ते हैं, और जिनके चार नंबर ज़्यादा थे वो उनके चार नंबर कट जाते हैं। तो एक तो ये होता है दोस्तों, ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आपकी एक मॉडल आंसर शीट है उसमें तो वही दिया गया जो कंप्यूटर पे आया, लेकिन जो आपकी फाइनल आंसर शीट आएगी ना तो उसमें वो विलुप्त है वहां पर स्टार बना जाएगा, जिसके ऑप्शन चेंज किए गए हैं वहां पर ऑप्शन चेंज का लिखा जाएगा कि यहाँ पर पहले ए ऑप्शन था अब बी इसका सही है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपके नंबर बन जाते हैं। और जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो क्या रहता है कि आपकी जैसे चार सेक्शन में आपके एग्जाम हुए हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यानी चार पालियों में हम ये मान लेते हैं, तो उसे बांट दिया ए बी सी डी है ना, तो ए बी सी डी में वो क्या करते हैं कि आपके जो टॉप 10 है यानी कि इसका एवरेज निकाला जाता है 0.1, जितनी भी कैंडिडेट बैठे हैं जैसे ए में जितनी भी कैंडिडेट बैठे हैं उनके जितनी भी मार्क्स हैं उस हिसाब से 0.1 का एवरेज निकाला जाता है और उसमें से टॉप 10 स्टूडेंट छांट लिए जाते हैं, उन टॉप 10 स्टूडेंट में से 0.1 का एवरेज निकाल के हर एक ए का, ए सेप्ट का, बी सेप्ट का, सी सेप्ट का, डी सेप्ट का, और फिर नॉर्मलाइजेशन में क्या रहता है कि हार्डनेस चेक की जाती है कि इनमें कितना अंतर है आपस में मार्किंग में, तो इन चारों को फिर एक जगह देके और एक लेवल पर लाया जाता है। तो उसमें क्या रहता है जब नॉर्मलाइजेशन होता है ना तो कई जो पाली होती हैं उनके स्टूडेंट के नंबर घट जाते हैं क्योंकि उनका जो एग्जाम था हार्डनेस थी वो थोड़ी सरल आ गई और जो जिनका एग्जाम कठिन गया उनकी जो हार्डनेस थी थोड़ी कठिन आ गई, तो उस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन करके, इस पर मैं एक अगला ही एक वीडियो लाऊंगा पूरा तो उसमें आपको एग्जाम्पल सही समझाऊंगा तो वो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो इस हिसाब से आपके नंबर बढ़ने, अब यहाँ पर पासिंग मार्क कम कर दी जाए या नहीं कर दी जाए उसके विचार ही चल रहा है, यानी कि मांग की जा रही है सीधी, अब गवर्नमेंट वो डिमांड मांगती है कि नहीं मांगती ये तो गवर्नमेंट के ऊपर ही है, हो सकता है मानता मिल जाए क्योंकि जिस तरह से बार देखा जाए तो काफ़ी हार्ड गया था
वर्ग दो के देखे जाएं तो सोशोलॉजी से ले लो, आप साइंस से ले लो, ऐसे एग्जाम गए दो भी काफ़ी हार्ड थे, जिनमें बहुत कम और मतलब क्वालिफाइड से थोड़े ज़्यादा ही लोग क्वालिफाइड कर पाए, तो इस हिसाब से तो हो सकता है कि हो जाए, लेकिन अभी मेरे पास कोई पक्का प्रूफ नहीं है इस पर, कोई ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई लेटर नहीं आया, तो फिर मैं इसके बारे में यही कहूँगा कि आई होप उन लोगों को फ़ायदा मिल जाए जो कि वर्ग एक में या वर्ग दो में बहुत कम नंबरों से रह गए, तो अभी जैसे ही इसका कोई लेटर आता है या ऑफिशियल लेटर आता है तो डेफिनेटली मैं आपके सामने वीडियो लेकर ही आऊँगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, सर आपने एमपी एजुकेशन को जो आदेश बताया है दिनांक 8/3/2019 को, हम कैसे मिल सकता है? जी इसमें आप क्या कह रहे हैं, स्मार्टफोन सभी चलाते हैं या कंप्यूटर चलाते हैं, तो आपको क्या टाइप करना है, एमपी एजुकेशन पोर्टल, ठीक है, गूगल पे जाकर टाइप करना है एमपी एजुकेशन पोर्टल और उस पर आप क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे ना तो उसमें लिखा आ जाएगा कि लॉग इन और सेकेंड नंबर पर लिखा आएगा होम, होम पर आप क्लिक करोगे ना तो उसकी जो होम पेज है उस पर पहुंच जाओगे, सामने ही वो लेटर डला हुआ, चूंकि क्या रहता है कि डेली की डेली 4-5 आदेश या उससे भी ज़्यादा आदेश आते रहते हैं तो वो नीचे दब जाता है, तो आपको क्या करना है 8/3/2019 तक थोड़ा ड्रैग करके नीचे जाओगे ना तो वहाँ पर लिखा है, चाहे वर्ग एक की बात करें वर्ग दो की, दोनों के लिए ये आदेश जारी हुए हैं तो आप उसे ले सकते हो। शायद एक ने कहा भी था कि सर ये हमें आदेश मिल नहीं रहा, आप कहाँ से आदेश लाते हो, मैं कहीं से आदेश नहीं लाता, एमपी एजुकेशन पोर्टल पर डले होते हैं, वही मैं आपको फोटो के रूप में बता देता हूं यहां पर और आप भी जाकर देख सकते हो। तो चूंकि किया रहता है क्यों नहीं मिलता है आपको, कि आप देखोगे कि आज ही क्यों नहीं, क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे आप फेसबुक चलाते हो, ठीक है, आपने जो पोस्ट की है अब आपकी पोस्ट सबसे पहले ऊपर देखेगी, लेकिन आपके बाद 8-10 लोगों ने और पोस्ट कर दी तो फिर आपकी पोस्ट है वो 10 नंबर नीचे चली जाएगी, वो पोस्ट है ऊपर आ जाएंगी जो कि पहले गई, तो ऐसे ही एमपी एजुकेशन पोर्टल पर होता है, तो यहां पर जाकर आपको नेक्स्ट सर्च करना पड़ेगा तो मिल जाएगा, क्योंकि नीचे ड्रैग करोगे और आप जैसे ही 8/3/2019 तक जाओगे तो लेटर मिल जाएगा। इसमें और लिखा है हमें कैसे मिल सकता है, साथ में यह जानना है कि आचार संहिता लगी है फिर आदेश कैसे काम कर सकता है, इसकी उम्मीद क्या है, आप रिप्लाई जरूर दें, महेश जी ने पूछा है। तो महेश जी ऐसा है कि आचार संहिता का मतलब होता है कि आप कोई न्यू वैकेंसी नहीं निकाल सकते हैं, कोई नया गवर्नमेंट निर्णय नहीं ले सकती है या निर्णय लिया है तो उन्हें लागू नहीं कर सकती, क्योंकि आचार संहिता का यही मतलब होता है। आचार संहिता का ये मतलब नहीं होता कि आप सर्वे नहीं करा सकते, ये आदेश जो निकला है वो सर्वे का निकला है कि आपके कहाँ कहाँ पर कितनी पोस्टें खाली हैं, क्योंकि ये जो पहले जो सर्वे किया गया था वो काफ़ी पुराना है और अभी हमें चाहिए नया सर्वे, क्योंकि एग्जैक्टली फिगर पता होना चाहिए कि किस स्कूल में आपकी पोस्टिंग करनी है, जिस सब्जेक्ट से आपने पास किया है, तो उस आपसे दोस्तों, तो यहां पर वो सर्वे किया जा रहा है, ना कि आपकी कोई ज्वाइनिंग निकाली जा रही है, ना कि आपकी कोई नियुक्ति की जा रही है, वो कुछ अभी नहीं है, सिर्फ ये सर्वे है और सर्वे में एक डेडलाइन भी दी गई है कि अप्रैल में 4 अप्रैल तक ये सर्वे पूरा हो जाए, क्योंकि उसके बाद फिर आपकी ज्वाइनिंग में समय लगना है, क्योंकि काउंसलिंग होगी उसकी होगी, और बहुत से भाई बहन ये भी सोच रहे हैं कि हमारे लास्ट ईयर है सर, हमारे उस समय डॉक्यूमेंट पूरे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, तो हो जाएंगे, क्योंकि इसमें 3-3 काउंसलिंग होती है, हर एक काउंसलिंग में 4 से लेकर 6 महीने का गैप रहता है, तो आराम से आपकी हो जाएगी, फर्स्ट काउंसलिंग होगी, सेकेंड होगी, थर्ड होगी, तो इस हिसाब से काउंसलिंग होती रहती है, तो 3 महीने से लेकर 4 महीने से लेकर 6 महीने तक का बीच का गैप लग जाता है एक काउंसलिंग के दूसरे काउंसलिंग में, तो आराम से आपकी पूरी हो जाएगी, क्योंकि रनिंग वालों को मौका दिया गया है तो उनके डॉक्यूमेंट पूरे होंगे ही होंगे और उन्हें भी मौका पूरा ही मिलेगा, तभी तो आपसे एग्जाम लिया गया, तो इसमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये सर्वे हो रहा है। अब इसमें रिजल्ट भी घोषित कर सकते हैं जैसे कहते हैं, लेकिन बहुत से रिजल्ट में ऐसे होते हैं कि गवर्नमेंट की स्वीकृति चाहिए और आचार संहिता लगी है तो गवर्नमेंट स्वीकृति उस हिसाब से नहीं दे पाती है, तो वो रिजल्ट फिर रोक लिए जाते हैं, बाकी कि मैं आचार संहिता में ऐसा नहीं है कि आप सर्वे नहीं कर सकते हैं, तो ये एक सर्वे का जो आदेश था, चाहे की बात करें वर्ग दो की बात करें, इसमें यही बताया गया कि आपको सर्वे करना है और ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन करना है कि कहां कहां पर कितनी कितनी वैकेंसी है, जिससे कि जो आगे की प्रक्रिया है वो तेजी से हो सके, क्योंकि अब की आपके ऑनलाइन एग्जाम हुए तो इसका रिजल्ट भी तेजी से आएगा, सब कुछ तेजी से आना है, तो उस हिसाब से ये सर्वे अभी से जारी की गई है और अप्रैल तक पूरी कर ली जाएगी, उसके जो भी प्रोसेस है वो पूरा कर ली जाएगा, तो ये है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है कि सर आपके चैनल से हमेशा हमें कमेंट्स के रिप्लाई मिल जाते हैं, लेकिन अब कुछ लोगों को रिप्लाई देते हैं, ऐसा क्यों होता है, सोयता जी ने पूछा। जी मैं सभी को रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं, होता क्या है दोस्तों कि पहले मेरे पास समय ज़्यादा था क्योंकि एग्जाम नहीं चल रहे थे, अभी क्या है कि जहाँ पर मैं कॉलेज में जो कंप्यूटर सिखाता हूँ उन विद्यार्थी को भी एग्जाम आ रहे हैं तो उन्हें भी एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है, और फिर आपके वर्ग एक और वर्ग दो के एग्जाम आ गए थे तो बहुत से फ्रेंड्स मेरे ऐसे थे कि जो उन्होंने हिंदी से फॉर्म फिल किया था, चाहे वर्ग एक की बात करें वर्ग दो की, तो उन्हें समय
देना पड़ता था, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं हिंदी में उन्हें बेहतर समझा सकता हूँ या मेरी बातों से वो थोड़े मोटिवेट हो जाते हैं तो बेहतर काम कर सकते हैं उस हिसाब से। और फिर साथ में ऐसा था कि अभी बोर्ड एग्जाम शुरू हुए थे आपकी मार्च से, तो बहुत से ऐसे भाई बहन थे जो इस कॉलोनी के जो बोर्ड के एग्जाम दे रहे थे, चाहे हम टेंथ की बात करें चाहे इंटर की बात करें, तो उन्हें भी थोड़ा ऐसा रहता है कि मैंने टेंथ, जैसे मैंने कि आपको बताया था कि आप वर्ग दो के एग्जाम कैसे दें, मैनेजमेंट कैसे करें अपना समय को, तो उन्हें भी ऐसा लगता है कि भैया से हम पूछेंगे तो भैया हमें सही गाइडेंस करेंगे, तो उस हिसाब से वो डेली आ जाते थे। तो जो मेरा समय था उस टाइम पर वो उनमें पूरा चला गया और मैं कंप्यूटर पर कम बैठ पाया, इसलिए मैं रिप्लाई बहुत कम लोगों को दे पाया। और साथ में क्या हुआ कि पहले जो कमेंट्स आते थे वो एक वीडियो पर 70 कमेंट आ गए, 80 कमेंट आ गए, और टोटल देखे जाए मेरे चैनल पर तो एक दिन में बहुत से बहुत 150 या 200 कमेंट आते थे, तो जिनका मैं एक घंटे या डेढ़ घंटे भी कंप्यूटर बैठूं आराम से रिप्लाई दे सकता था। अब क्या हो रहा है दोस्तों कि एक मैं जो वीडियो डालता हूं उस पर 400 से ऊपर कमेंट आते हैं, और पूरे चैनल की बात की जाए तो उस पर 600-700 से ऊपर कमेंट्स आ जाते हैं। और समय पहले मैं जो 1.5-2 घंटे बैठता था कंप्यूटर, अब मैं 30 मिनट पे या 35 मिनट कंप्यूटर पर बैठता हूं, तो वो समय कम हो गया और कमेंट्स बढ़ गए, तो इसलिए मैं सबके रिप्लाई एकदम से नहीं कर पा रहा हूं। कोशिश मैं पूरी करता हूं कि हर एक भाई के पास मेरा रिप्लाई पहुंचे, क्योंकि वो बड़े आस से और प्रेम से मुझसे कुछ पूछ रहा है और मैं उसे रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूं, मुझे भी बहुत दुख होता है। लेकिन चूंकि व्यस्त इतना हो गया हूं दोस्तों कि मैं उस हिसाब से कंप्यूटर पर नहीं बैठ पा रहा हूं और उस हिसाब से रिप्लाई नहीं, फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि जितने भी कमेंट्स हो सके मैं दे सकूं। जैसे कि अभी YouTube ने मुझे एक रिपोर्ट भेजी थी, हर महीने रिपोर्ट भेजता है YouTube के, आपके कितने लाइक्स हुए, कितने डिसलाइक हुए, कितने कमेंट हुए, कितने शेयर हुए, कितने सब्सक्राइबर बढ़े, कितने व्यूज हुए, कितना वॉच टाइम, इतना वो सब एक फिगर बनाकर आपके भेजता है कि ये आपके 28 दिन का परफॉर्मेंस हुआ। तो लास्ट 28 दिन का परफॉर्मेंस पर उन्होंने भेजा था, तो उन्होंने लिखा है कि आपके जो लास्ट 28 दिन में व्यू आए हैं वो आए हैं 2.5 लाख के करीब, माने 2,53,000 करीब व्यू आए, और उस पर जो कमेंट हैं वो हैं 52,000 के करीब कमेंट। तो 28 दिन में 52,000 कमेंट आई हैं। अब 52,000 में से मुझे पता नहीं मैं कितने को भी रिप्लाई दे पाया हूँगा, मेरे हिसाब से मैं 4-5 हज़ार को भी रिप्लाई दे पाया हूँगा तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 52,000 से ऊपर लास्ट 28 दिन में पूरे चैनल पर कमेंट्स आई हैं, जो मेरे पूरे चैनल पर करीबन 233 वीडियो डले हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि आज वीडियो डाल रहा हूँ उस पर ही कमेंट आ रही, आज से एक साल पहले वीडियो डाला था उस पर भी कमेंट आ जाती, तो इसलिए तो फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जो आपको परेशानी हो रही है या मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ उसके लिए तो मैं सॉरी बोल सकता हूँ, और डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई करूंगा, जितने भी क्वेश्चन डले हैं मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, सर आपके वीडियो से सभी के लिए हेल्पफुल हैं, मैं एक हैंडीकैप्ड हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि हैंडीकैप के लिए भी कुछ वीडियो लाएं, मोटिवेशनल वीडियो जरूर लाएं, इससे हमें काफ़ी मदद मिलेगी, निकिता जी ने कहा है। जी, निकिता जी ने कहा है कि वो स्वयं हैंडीकैप्ड हैं और ऐसे वीडियो मुझे लाने, डेफिनेटली मैं लाऊंगा, और मेरे इस चैनल से बहुत से ऐसे भाई बहन जुड़े हुए हैं। तो एक तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये जो वर्ड है ना हैंडीकैप, वो आपके किसी एक फंक्शन काम न करने से उस पर वेस्ट होता है, तो ये ना सोचें कि आप सबसे अलग हैं, आप सब जैसे ही हैं। और मैंने बचपन में एक बात सुनी थी कि जो हैंडीकैप्ड होते हैं, यानी कि जिनमें भगवान कोई एक विशेष हैंडीकैप्ड होते हैं, तो उनमें कोई विशेष बात पैदा कर देता है भगवान, यानी कि 10 खूबियां पैदा कर देता है। हालांकि मैं खुद में ये खोजता रहा कि भगवान ने मुझ में भी कोई ना कोई खूबी पैदा की होगी, आज तक मुझे तो नहीं मिली, लेकिन मैं इस बात को जरूर मानता हूँ, क्योंकि बहुत से हैंडीकैप्ड भाई बहनों से मैं मिलता हूँ जो कि बहुत टैलेंटेड होते हैं, उनके अंदर बहुत खूबी होती है, यानी कि जो आम लोग होते हैं उनसे वो विशेष होते हैं और विशेष उनमें खूबियाँ होती, ये मैं मानता हूं। लेकिन यहां तक मैं अपनी बात करूं तो वो विशेषता मैं आज भी ढूंढ रहा हूं कि मुझ में भी ऐसा कुछ विशेष हो कि जो मुझे मतलब कुछ विशेषता मुझ में हो, तो मुझ में तो खुद में नहीं दिखी, लेकिन हाँ ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ, जैसे कि एक हैंडीकैप्ड थे, उनके पैरालिसिस था एक हाथ में, लेकिन वो गाना बहुत अच्छा गाते थे, यानी कि उनकी जो लगभग आवाज थी मोहम्मद रफ़ी से काफ़ी मिलती थी, तो उस हिसाब से तो उनके चारों तरफ भीड़ लगी रहती थी। ऐसे बहुत से भाई बहनों से मैं मिला हूँ जो कि विशेष, हम कह सकते हैं कि विशेष तौर पर वो एक अलग होते हैं, और उनके अंदर जो टैलेंटेड होता है वो भी सबसे अलग ही होता है, तो ऐसा ना सोचें कि है, और ऐसे मैं वीडियो लाता रहूँगा। तो दोस्तों ये एक ऐसा वीडियो था जिसमें कुछ क्वेश्चन क्लियर करने थे, कुछ डाउट क्लियर करने थे, उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो भी पसंद आएगा, इसे लाइक करें, शेयर करें, और जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अगला वीडियो मैं बहुत जल्दी लाऊंगा। आपने इस वीडियो को इतना समय दिया उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों।